समय और धैर्य। एक साधु था, वह रोज घाट के किनारे बैठकर चिल्लाया करता था, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। बहुत से लोग वहां से गुजरते थे, पर कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता था और सब उसे एक पागल आदमी समझते थे। एक दिन एक युवक वहां से गुजरा और उसने उस साधु की आवाज़ सुनी, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे, और आवाज़ सुनते ही उसके पास चला गया। उसने साधु से पूछा, महाराज आप बोल रहे थे कि जो चाहोगे सो पाओगे, तो क्या आप मुझको वो दे सकते हो जो मैं चाहता हूँ? तो साधु उसकी बात को सुनकर बोला, हाँ बेटा, तुम जो कुछ भी चाहते हो मैं उसे जरूर दूंगा, बस तुम्हें मेरी बात माननी होगी। लेकिन पहले ये तो बताओ कि तुम्हें आखिर चाहिए क्या? तो युवक बोला, मेरी एक ही ख्वाहिश है, मैं हीरों का बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूँ। तो साधु बोला, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ, उससे तुम जितने भी हीरे मोती बनाना चाहोगे बना पाओगे। और ऐसा कहते हुए साधु ने अपना हाथ आदमी की हथेली पर रखते हुए कहा, पुत्र मैं तुम्हें दुनिया का सबसे अनमोल हीरा दे रहा हूँ, लोग इसे समय कहते हैं, इसे तेजी से अपनी मुट्ठी में पकड़ लो और इसे कभी मत गंवाना। तुम इससे जितने चाहो उतने हीरे बना सकते हो। युवक अभी कुछ सोच ही रहा था कि साधु उसकी दूसरी हथेली पकड़ते हुए बोला, पुत्र इसे पकड़ो, यह दुनिया का सबसे कीमती मोती है, लोग इसे धैर्य कहते हैं। जब कभी समय देने के बावजूद परिणाम ना मिले तो इस कीमती मोती को धारण कर लेना। याद रखना, जिसके पास यह मोती है वह दुनिया में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। युवक गंभीरता से साधु की बातों पर विचार करता है और निश्चय करता है कि आज से वह कभी अपना समय बर्बाद नहीं करेगा और हमेशा धैर्य से काम लेगा। और ऐसा सोचकर वह हीरों के एक बहुत बड़े व्यापारी के यहाँ काम करना शुरू कर देता है और अपनी मेहनत और ईमानदारी के बल पर एक दिन खुद भी हीरों का बहुत बड़ा व्यापारी बनता है। समय और धैर्य वह दो हीरे मोती हैं जिनके बल पर हम बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। अतः जरूरी है कि हम अपने कीमती समय को बर्बाद ना करें और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए धैर्य से काम लें। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद आप सभी का।